15 मिनट रुकना पड़ेगा, भैया का तो हाथ रुकता ही है। आपके पास अलग कॉन्सेप्ट है, कुलचे पे तड़का लगाते हैं। चले टेस्ट करें, मुंह में जाते ही मेल्ट हो गए पहले तो। धमाकेदार तड़कते फड़कते छोले कुलचे लेकर आ चुका हूँ भाई साहब। यहाँ पर छोलों को नहीं, कुलचों को तड़का लगाया जाता है। और ये आपको बाबू जी मिलेंगे जो कि बढ़िया से कुलचों को तड़का लगा रहे हैं, पीछे छोले बन रहे हैं जी। 20 से 25 साल हो गए इनको ऐसे बढ़िया से छोले कुलचे खिलाते हुए, बातचीत करते हैं और बताते हैं इनका कैसा रहने वाला टेस्ट। और भाई साहब देखते देखते ना पूरा बर्तन खाली हो गया। और दोबारा से आप जो देखो छोले बनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आ गया प्याज भर भर के, और ये आ गया ये मटरा। दिल्ली में लोग मटरा खाते हैं, चने नहीं कहते इसको, मटर कहते हैं। ये क्यों? मटरा और छोले में फ़र्क होता है ना, मटरा ये गोल वाला अलग सा होता है, कुलचों के साथ ना इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। मतलब दिल्ली में किसी को लंच करना ना बढ़िया तो छोले कुलचे बढ़िया होते हैं एकदम। लो जी वो क्वांटिटी में मतलब मटरा और छोले डाल दिए गए हैं, लगातार लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं और भूख अल्टीमेट वाली, और पीछे ऐसे लगातार प्ले लग रही है। देखते ही देखते धनिया आ चुका है। पाजी दिखा दिखा के डालना ये मसाले डाले हैं। कौन कौन से मसाले पाजी? मसाले छोले मसाले, छोला मसाला है, नमक है, और ये देखो जी देगी, क्या बात है, देगी मिर्च का लगा तड़का अंग अंग बड़का। हीरा पाजी ने इस लाइन को ना फेमस कर दिया, हीरा पाजी को सल्यूट है भाई, जो पंजाब से अमृतसर से देख रहे हैं कमेंट कर दो हीरा पाजी के लिए सत श्री अकाल। और नींबू आगे खटास के लिए बढ़िया टेस्ट आ जाता है कुलचों छोले कुलचों में नींबू डाल के। और सबसे बढ़िया इनका पता क्या है, कुलचे बनाने का ना कॉन्सेप्ट अलग है। लोग लगाते हैं छोलों में तड़का, ये लगाते हैं कुलचे में तड़का। अरे भाई साहब मतलब छोलों में ही तड़का लगाते हैं, ये कुलचों में तड़का। और नींबू की खटास इस छोलों को और भी बेहतरीन और भी जायकेदार बनाएगी। पाजी नींबू तो मतलब आप भर भर के डाल रहे हो। पाजी अगर नींबू महंगा हो जाए तो तब भी डालोगे? डालेंगे नींबू डालेंगे, लेकिन इतनी क्वांटिटी तो थोड़ी बहुत 19-20 करने पड़ जाती है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन वाजिब हमेशा मिले। टेस्ट में क्वालिटी में किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो देखो बढ़िया से मिक्स कर दिया हमारे मटरा को। अब जैसे 250 रुपये 300 रुपये पहुँच जाता है, हुआ थोड़ा सा दबाव तब भी टमाटर चलता है, लेकिन हल्का फुल्का कम चलेगा। कहीं गलती से जैसे 200-250 रुपये पहुँच जाती है सौदा, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में गिरावट हमेशा ही आएगी। और पाजी ये पुदीना चटनी में क्या क्या डाला जाता है? इमली वगैरह। इमली वगैरह, तो पाजी का कहने का मतलब है मतलब टमाटर महंगे हो जाए या सस्ते हो जाए पड़ेंगे पड़ेंगे, या नमक और स्वाद अनुसार देगी मिर्च सब कुछ डाल दिए गए। इमली पुदीना वाली चटनी आ गई है, धनिया दोबारा से बढ़िया से, ये छोले लगभग तैयार हैं। पाजी कब आते हो, टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 10 बजे आते हो, शाम के कितने बजे तक? कितने बजे तक? 5 बजे तक। दीवानगी इसकी यही है, मैंने बताया ना नॉर्मली आप देखोगे छोलों में तड़का लगता है प्याज टमाटर और मसाले वसाले डाल के, लेकिन इनके पास अलग कॉन्सेप्ट है, ये कुलचे पे तड़का लगाते हैं। छोले आपको हमने सामने सामने दिखाए, सिर्फ भगोने में बना दिए, अब दिखाएंगे कुलचे उस पे तड़का कैसे लगे। मैं कुलचे छोले पंजाब में तो मतलब 1-2 बजे तक चलते हैं, ये 5 बजे तक? 5 बजे तक, अरे लंच इतनी देर लेट करते हैं दिल्ली वाले, हम सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 3-4 बजे लंच करेंगे, तो लंच में यही खाना पसंद करता है हर कोई। और देखते देखते ना छोलों की प्लेटें लग रही हैं। और भाई साहब ये चेक करो जी, बढ़िया से छोले रहने वाले हैं, मलाईदार छोले। और ये देखो ये सैलड, सैलड में भी आपको कमी नहीं मिलने वाली, मिर्च का अचार दे रहे हैं, चुकंदर दे रहे हैं, प्याज दे रहे हैं, खीरा दे रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से सैलड भी बना के देते हैं, तो मतलब सैलड किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं लगेगी आपको। सबसे बढ़िया इनके कुलचे लगते हैं, वो देखो कैसे किस तरीके से बनाए जा रहे हैं भर भर के। तो कुलचों की बात होगी और लोगों की भीड़ बता रही है कि कुलचे छोले इनके होने वाले स्वाद। दो टाइप के कुलचे रहते हैं, आटे वाले, ये देखिए ये हैं आटे वाले कुलचे, और साथ में सूजी वाले भी, लेकिन स्वाद ना सूजी वाले ही होता है। आपको आटे वाले नहीं पसंद है? सूजी वाले में मजा आता है खाने में। अभी देखते हैं लगवाएंगे यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। ये देखो ये आ गए सूजी वाले कुलचे। देखिए ऐसे कुलचे ना आपको सिर्फ दिल्ली में मिलने वाले हैं। ये देखिए बटर लगाया गया है हमारे कुलचों के ऊपर, ये हमारे आटे वाले कुलचे है, उसके ऊपर आ गया धनिया, ये आ गए प्याज। ऐसे कुलचे आपने नहीं देखे होंगे कहीं पे। भाई साहब दिल्ली वाले ना कुछ अलग ही करते हैं, हटके करते हैं। फिर से आ गया बटर इसके ऊपर,
मैं कहा जी पंजाबियों वांगू इन्हां नूं प्यार है जी, वो भी मक्खन दे नाल। तो भाई साहब आपने तड़के वाले छोले खा लिए, अब तड़के वाले कुलचे खा लो। पाजी दिल्ली में ना आपको हर नुक्कड़ में छोले कुलचे मिलेंगे ही मिलेंगे, और सबका स्वाद ना अलग ही होता है एकदम, मतलब दिल्ली वाला स्वाद एकदम अलग होता है। लंच में सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है छोले कुलचे खाने का, एकदम सस्ता और टिकाऊ। तो पीछे देख सकते हो एक बैच जो है खत्म हो चुका है छोलों का, और दूसरा बैच लग रहा है, और साथ ही में यहाँ पर कुलचों को दोबारा से तड़का लगाया जा रहा है। अब देखो जी सूजी वाले कुलचे आ गए। ये सूजी वाले कुलचे लोग कहते हो ही नहीं सकते, कि पॉसिबल है फिर? ये सूजी वाले ही कुलचे है पाजी, इसका स्वाद एकदम बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट होते हैं ये। सूजी और मैदा मिक्स होता है, थोड़ा सा मैदा होता है, मेन सूजी होती है। देखिए इसके ऊपर धनिया आ गया, और इसको प्याज के साथ, तड़के वाले प्याज के साथ सर्व किया जाता है हमारे कुलचों को। क्या बात है जी। ये देखिए पाजी ऊपर से डाल दिया इन्होंने प्याज, फिर आ गया बटर। तो आप कब से खा रहे हो इनके पास? मतलब भैया को 20-25 साल हो गए, मैं तो शुरू से खा रही हूँ। इनका स्वाद भी काफ़ी बढ़िया होता है, मटर इनके काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, नींबू वींबू डाल के, इमली की चटनी डाल के देते हैं ये, और सबसे अच्छे होते हैं इनके कुलचे, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो पाजी अभी तो जैसे हम लेट हो गए यहाँ आते आते, अगर 1-1.5 बजे के आसपास यहाँ आएंगे ना, तो ऐसे भीड़ होगी कि मतलब वेटिंग होगी, आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। भैया का तो हाथ रुकता ही नहीं है, अभी छोले लगाए थे, दोबारा लगाए, और 1 बजे तो ऐसे भीड़ होती है, भयंकर भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं होती, वेटिंग होती है 15-20 मिनट से पहले, तो आपको मिलेगी नहीं प्लेट यहाँ पे। लो जी हमारी प्लेट लगने जा रही जी, तड़के वाले कुलचे आ चुके हैं जी, और साथ में आ गए जी छोले, और साथ में आ गया प्याज जो कि पूरा एकदम अच्छे से रोस्ट किया गया था, और साथ में जो सैलड है वो चेक करो जी, सैलड ट्रैवल होकर आ जाओ पाजी जल्दी आ जाओ, ये चेक करो जी नींबू डाला जा रहा है। 40 रुपये में आपको जी बढ़िया से तड़के वाले छोले कुलचे मिलने वाले हैं। तो भाई साहब भूख लग रही है कुलचे देख के, छोले देख के, और छोले सबसे पहले आगे आओ पाजी, पीछे मत जाओ, ये चेक करो जी छोले बढ़िया से, कोई तड़का छड़का नहीं लगाया जी, छोले जैसे चाट बनाते ना वैसी चाट है, छोलों वाली चाट है, और साथ में सैलड देखो जी, सैलड में मिर्ची चुकंदर गाजर और मतलब प्याज, सीजनल सैलड है भाई। तो सबसे बढ़िया ये कुलचे खा के देखो पाजी, मजा आ जाएगा खा के। देखो जी हम ट्राई करते हैं जी, एक बाइट आओ लो, एक बाइट हम यहाँ मिलेंगे, सूजी मैदा आटा जो आपको मन हो, सबसे बढ़िया होते हैं सूजी वाले कुलचे। और पाजी क्लोजअप आ जाओ एक बार, बाइट तो दिखाओ कैसे बना रहे हैं। ये देखो जी ये ना छोले ऐसे मुझे लग रहे जैसे वो होते ना मलाईदार छोले, मुँह में जाके। सबसे बढ़िया इसमें ये है ना, इसमें तड़का नहीं लगा हुआ, तो एकदम बेसिक छोले है, लेकिन कुलचे खा के ना आपको मजा आ जाएगा, की ऐसे नहीं लगेगा कुछ हैवी खाया। चले टेस्ट करें, मुंह में जाते ही मेल्ट हो गए पहले तो, है ना। मसाले भी इतना कुछ डाला था पर ऐसा लग रहा है कि ना बिल्कुल भी गले में हिट नहीं कर रहे हैं मसाले, है ना। मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, घर में जो भी होना आराम से लंच कर सकते हैं। पाजी को मजा आ गया खा के, है ना पाजी। ऐसे कुलचे मिलेंगे फिर पंजाब में? नहीं, क्योंकि ना छोलों में मसालों का जो बैलेंस फ्लेवर है, जो तड़का बिल्कुल लगाया गया कुलचों को, ऐसा तड़का पंजाब में नहीं लगाया जाता, ऐसे कुलचे भी नहीं मिलेंगे पंजाब में। ये कुलचे खाने के लिए आपको स्पेशल दिल्ली में आना पड़ेगा, है ना बाजी। आप जलंधर नहीं आ सकोगे? जलंधर में ऐसे कुलचे नहीं मिलेंगे ना, ऐसे कुलचे खाने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। आप पैक करा के लेकर आए ना? पैक करवा के ले आएंगे पाजी के लिए और पाजी की ऑडियंस के लिए भी। तो जाने से पहले लोकेशन बता दो। ये खाने के लिए आपको आना पड़ेगा रोहिणी में सेक्टर 13 में, तुलसी अपार्टमेंट है उसके जस्ट बाहर, भैया आपको दिख जाएंगे, जहाँ भीड़ होगी ना मतलब लगा लो कि वहाँ पे ये कुलचे मिलने वाले, तड़के वाले यही वाले। और तो ये आपको यहाँ खाने के लिए आने पड़ेंगे, मात्र 40 रुपए के अंदर पेट भर जाएगा बंदे का। और भाई साहब एक लास्ट बात कर रहा हूँ कि ना आंखें करो बंद, गूगल सॉरी आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी, पर गूगल पर लगाओ लोकेशन तुलसी अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 13, और आ जाओ यहाँ पर कुलचे छोले खाने के लिए, और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जाने से पहले पहले बुक्कड़ दिल्ली के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा चैनल GS फूड ट्रैवल को मतलब लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बेल आइकन बटन का थोड़ा मारना, कुलचे मतलब खिला देना उसको, थोड़ा सा खुश हो जाए या कुछ भी कर देना, बस कर देना और अपने भाई को खुश कर देना, और ऐसे हम बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।